नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और झारखंड के सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। जमशेदपुर में दूध विक्रेता पर हुआ जानलेवा हमला, 20,000 रुपए और बाइक लूटने का लगाया आरोप। घायल युवक ने लोहे की रॉड से वार करने की कही बात। राम सकल हत्याकांड में फरार चल रहा आरोपी कृष्णा तपाड़िया को जमशेदपुर पुलिस ने एमजीएम अस्पताल से किया गिरफ्तार। तबियत खराब होने के कारण एमजीएम में चल रहा था इसका इलाज। जमशेदपुर के जोजोबुड़ा के रहने वाले श्याम सुंदर कामत के घर पर रविवार सुबह अचानक से सिलेंडर फटने से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तमारा घाटी में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, सबका इलाज रिम्स में है जारी। असिस्टेंट लोको पायलट कालीचरण गुप्ता से अपराधियों ने की लूटपाट, विरोध करने पर धारदार हथियार से मारकर किया जख्मी। भारतीय जन महासभा के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान सोशल साइट से विभिन्न प्रकार की अश्लील सामग्री को हटवाने के लिए जल्द ही नव नियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अश्लील फोटो और वीडियो को हटाने पर होगी चर्चा। शहर के सभी घरों से अब होगी होल्डिंग टैक्स की वसूली। 15 दिनों में ही सभी को अपने घरों का असेसमेंट करवाना होगा अनिवार्य, नहीं तो देना पड़ेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। कल्याण विभाग के द्वारा जल्द ही करंडी जाहिर स्थान का होगा सौंदर्यकरण। कोर्ट का विधायक संजीव सरदार सहित कल्याण विभाग के पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मिले कोरोना वायरस के कई नए मामले। रांची में सबसे ज्यादा पाए गए 337 एक्टिव केस। झारखंड की कला संस्कृति का देश और दुनिया में है अलग ही बात। इसी संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं विशेष वर्ग। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा, झारखंड में उग्रवाद को नहीं होने देंगे हावी। 2 दिनों में लगातार भाकपा, माओवादी और पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को मिली है सफलता। कोरोना काल में व्यापार के कई क्षेत्रों में आया है बड़ा बदलाव। जून पर मुंह दिखाई के बाद डिजिटल पेमेंट कर बकरे की जा रही है विदाई। बकरीद पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं ग्राहकों को। झारखंड में कोरोना की कम हो रफ्तार से देखते हुए मोबाइल आरटीपीसीआर वैन को मिली हरी झंडी। 5 मोबाइल आरटीपीसीआर वैन को झारखंड के विभिन्न जिलों में किया गया रवाना। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई संपन्न। महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। शेल कंपनियों के जरिए धनबाद में खपाया जा रहा है काला धन। हवाला कारोबारियों के ठिकानों से प्राप्त कागजात की हो रही है जांच। संपूर्ण लॉकडाउन में परीक्षार्थियों को मिला विशेष छूट। 8 केंद्रों पर यूपीएससी परीक्षा सुविधा के लिए चलाई गई सिटी बसें। चौक चौराहों पर की गई जांच। राज्य में कोरोना से लड़ने में 16 महीने में 1,100 करोड़ रुपए हुए खर्च। तीसरी लहर अगर आई तो 500 करोड़ रुपए और हो सकते हैं खर्च। जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी करने का दिया निर्देश। 84 केस का आरोपी शनिचर 30 मिनट की मुठभेड़ में हुआ ढेर। पैसों के लालच में 10 साल पहले ही ज्वाइन किया था पीएलएफआई। अचानक से पैरों तले जमीन धंसने के कारण गोप में गिरा एक युवक, आग ने पूरी तरह लिया अपनी चपेट में। अस्पताल में इलाज है जारी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की जताई जा रही है आशंका। 15 जुलाई से लापता था युवक। हजारीबाग के छड़वा डैम से मिला शव। कुछ महीने से लगातार टंडवा जिले के कोयलांचल क्षेत्र में गोलीबारी की घटना आई सामने। अमन साहू गैंग के 6 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, कई हथियार भी किए बरामद। नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी। गुमला में सुरक्षा बलों ने 3 IED को किया निष्क्रिय। डिफ्यूज के दौरान दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति बनाने वालों को चिन्हित करने में जुटी धनबाद पुलिस। कारोबारियों के ठिकानों से जब कागजात की जांच की जा रही है तो प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए एम न्यूज 24। लेकिन जाने से पहले हर रोज की तरह आपको छोड़े जाते हैं इस मजेदार वीडियो के साथ।